हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफ्रैक्शन लाइट की स्फेरिकल लेंसेज से कैसे होती है। तो जो सबसे पहले चीज हमें डिस्कस करनी है वो है कि ये लेंसेज होते क्या है हमारे पास। अब से पहले हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस की, मिरर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया, इसके लॉ डिस्कस किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लेंसेज के बारे में जानना चाहते हैं कि लेंस होता क्या है। एक्चुअल में एक ग्लास का पीस जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो उसका आउटर सरफेस होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो लेंस की कैसी डेफिनेशन आती है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस है जिसको बाउंड किया गया है, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो स्फेरिकल सरफेसेस, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है लेकिन दो स्फेरिकल शेप ऐसे दी गई है इसको, या फिर ये दो टाइप्स है हमारे पास लेंसेज के। यहाँ 10th क्लास में इसको बोला जाता है कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है। इसको बोला जाता है कंकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को फैलाने का काम करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें दो लेंसेज की, तो डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि द लेंस विच इज थिक इन द मिड एंड थिनर एट द एजेस। तो आप लिख सकते हो कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर, और कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। ये उसका उल्टा है, ये बीच में से मोटा है, साइडों में से ये पतला है, ये बीच में से पतला है और इसके एज क्या है मोटे हैं। तो कन्केव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस, बट थिकर एट द एजेस। ये इनकी डेफिनेशन आ जाती है। कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है यहां पर, जो हमने मिरर के केसेस में की थी, लेकिन लेंस के केसेस में थोड़ी सी चेंज भी हुई है और कुछ सेम भी है हमारे पास। कुछ टर्म्स थी जो आपने पढ़ी थी, जैसे कि पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। उनसे ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं नई जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ वही सेम यूज होने वाली है तो हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपको याद रखना है कि लेंस के केस में कोई पोल नहीं होता। यहां आता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ लेंस बोलते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस। वहां मिरर में पोल होता था, सेंटर ऑफ द पोल।
पोल में से जो लाइन जाती थी आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। यहाँ पर वो चीज इसके लिए है कि जो लाइन सी में से होके जाएगी उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। मैं आपको कंपैरिजन करके सिखा रहा हूँ। फिर वहां पे आप एफ लेते थे, सी लेते थे। यहाँ आपको याद रखना है कि सी तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ले लिया, आप उसको सी नहीं ले सकते। आपने यहाँ पर एफ लिया, जिसको आप सी लेते थे वो एफ से डबल डिस्टेंस पे होता था। आप बोलते थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो अगर इतना एफ लिया है तो फिर इसके डबल को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू एफ लिख देते हैं। दूसरी चीज, अब लाइट वापस नहीं आने वाली, लाइट तो क्रॉस करके जाने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर दो तो एफ होंगे और दो टू एफ होंगे। इस तरफ भी वही पॉइंट्स होंगे, इतने ही डिस्टेंस पे होंगे, तो इसको हम नाम देंगे एफ वन और फिर इसको नाम देंगे टू एफ वन। अब ये चीजें नहीं आ गई, ध्यान रखना लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस दो, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, उतने डिस्टेंस पे भी दो चीजें होती है। क्यों, अगर इसको सर्कल पूरा करें तो ये चीजें तो इसकी हो गई, और अगर इस वाले का स्फीयर इमेजिनरी कंसिडर करें तो वो वाली इस वाले की हो गई। दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन किया गया है, जो कम पोल करता था वो अब क्या करेगा, ये इससे डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स दो थे जो आपके पास नए थे, जो आपको पता होने चाहिए थे। जो डायग्राम हम बनाते थे लेंस मिरर के, रे डायग्राम्स, वहां पे हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे, वो सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। बस एक या दो नई बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये देखो, कुछ तो हमने पहला रूल ये किया था कि जितनी भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल फोकस में से जाती है। वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, हमेशा याद रखना बच्चे गलती क्या करते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए ये ऐसी डैश डैश लाइन डाल लो सेंटर में से। इस लाइन तक आपको लाइन को स्ट्रेट लेके आना होता है। कुछ बच्चे यहाँ तक स्ट्रेट लाके फिर मोड़ते हैं, कुछ यहीं से मोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत है। आपको सेंटर तक लेके आना है, उसके बाद ये पैरेलल रेज कहाँ से पास होगी, एफ से पास होगी ऐसे। अब इस एफ की जरूरत वर्चुअल इमेज में पड़ेगी, रियल सारी इस तरफ बनने वाली है आपकी, और रियल इमेज पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर पैरेलल रेज आप पे डाली जाती है तो रूल ये कहता है वो सारी एफ से क्रॉस होगी। एक रूल यहाँ पर ये है कि अगर कोई लाइट की रेज सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से आ जाए, वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से आए, तो याद रखना है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली लाइट कहीं भी नहीं उड़ती, थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्फिनिटी कम होगा ऑब्जेक्ट जब रेस पैरेलल आएगी, और अगर टकराने के बाद, पास होने के बाद रेस पैरेलल जाए तो इमेज इन्फिनिटी। वही सेम रूल्स जो आपने मिरर के केस में किए, जो बातें डिफरेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली, कि एक पोल की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया और दो प्रिंसिपल फोकस हो गए हैं दोनों साइड में इस बार, बाकी सारे रूल वही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाने वाली लाइन जो है, जिसको सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बाकी सारे रूल्स जो है आपके वही रहेंगे। तो आपने इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मिरर का जो रूल्स है वो आप पढ़ लेना, उसमें एक रूल नया ये ऐड कर लेना कि सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके क्या करेंगे, स्पेशल केसेस जो है वो रे डायग्राम जिन्हें आप बोलते हो लेंस के, वो हम सारे डिस्कस करेंगे।